सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के गुरफेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ पहले पुराने पोल के नाम आपसे पूछा था भैया कोलैबोरेशन के बारे में आपकी क्या रहती है राय। तो आप में से 89% ने कहा कि जी हाँ मुझे करना चाहिए कोलैबोरेशन जब भी मुझे मिलता है अपने किसी दोस्त यूट्यूबर के साथ में। तो यहाँ पे मैं भी दोस्तों यही सोचता हूँ और ऐसे में आगे चल के बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन आने वाले हैं। और ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि भाई अभी दोस्तों आने वाली हैं सेल्स दोनों ही जगहों पर जो कि हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो आप ऐसे में ज़्यादा एक्साइटेड किसके लिए हैं और कहाँ से आप करने वाले हैं शॉपिंग, मुझे बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट्स में। और यहां पर दोस्तों सारी बातें अगर मिला लें एक साथ तो एक लाइक तो बनता है। और एक और है दोस्तों खास अपडेट कि कल शाम को जो होने वाला है सिनेटेक मसाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा फाइनली कि भैया कितने डिवाइसेस बाकी रह गए हैं गिव अवे के लिए जो कि लोगों ने क्लेम अभी तक नहीं किए हैं। तो बस कल शाम तक की बात है, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, उसके बाद में आप करना पार्टिसिपेट ताकि मैं बचे हुए सारे काम भी कंप्लीट कर पाऊं। तो बस यही है सारे अपडेट्स दोस्तों। यहां पर जो पहला अपडेट निकल के आता है वो है भैया एक ऐसे हेलमेट को लेके जिसका नाम है जारविश। जी हाँ दोस्तों, ये जारविश नहीं है, ये है जारविश। और यहां पर दोस्तों ये जो हेलमेट है ये है बाइक राइडर्स के लिए जहां पे आपको मिलता है सपोर्ट सीरी का, आप यहां पे यूज कर सकते हैं एलेक्सा को। और इसके अलावा यहां पे है एक एआर डिस्प्ले। तो मतलब आधा अधूरा ही सही, थोड़ी बहुत दोस्तों को मिल जाएगी फीलिंग एलिमेंट वाली इस हेलमेट को पहनने के बाद में कि जब बाइक आप चला रहे हैं तो सामने आप बात भी कर रहे हैं अपने स्मार्ट असिस्टेंट से, बाकी सामने जो आपका वाइजर है उसमें आप कुछ कुछ डिस्प्ले में भी चीज़ें अपने जो स्टैट्स वगैरह है उनको देख के काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया BSNL की तरफ से और जियो गीगा फाइबर के कॉम्पिटिशन में दोस्तों सभी लोग जो है वो अपने प्लान्स भैया पहले से ही अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे BSNL का दोस्तों एक एंट्री लेवल प्लान आ गया है ब्रॉडबैंड के लिए जिसकी कीमत है सिर्फ 99 रुपए पर मंथ, जहां पे आपको मिलेगा 45 GB डेटा और जो स्पीड होगी वो होगी 20 Mbps। तो यार ये मतलब बड़ा ही एक कमाल का प्लान है कि सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल जाएगा 45 GB का डेटा जो कि नॉर्मल यूज के लिए अगर आप हैवी यूज नहीं करते तो सफिशियंट ही रहेगा। और ऐसे में स्पीड भी अच्छी खासी है 20 Mbps की। देखो सस्ता सुंदर टिकाऊ चारों तरफ इंटरनेट भरपूर मिलने वाला है हमको इंडिया में बहुत जल्दी और ज्यादा तेजी से। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे व्हाट्सएप को लेके एक सिक्योरिटी कंसर्न जो निकल के आया है सामने कि भाई हैकर्स जो है ना वो दोस्तों हैक कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट को वॉइस मेल की मदद से। मतलब वो अगर दोस्तों करते हैं रजिस्टर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को भैया और ऐसे में अगर वो किसी और डिवाइस में यूज करते हैं तो दोस्तों ऐसे में व्हाट्सएप भेजता है SMS और SMS की अगर बहुत सारी ट्राइज हो जाती हैं तो उसके बाद दोस्तों वो आपको कॉल करके बताता है कोड। और अगर कॉल करने के टाइम पे वो कोड आपको नहीं बता पाए फोन अगर आप ना उठाएं तो वो जाता है वॉइसमेल में। और इसमें जो वॉइसमेल का डिफॉल्ट पासवर्ड है बहुत सारे यूजर्स का वो होता है 0000 या फिर 1234 वगैरह। तो हैकर्स वहां से वो कोड ऑब्टेन करने के बाद में आपका व्हाट्सएप किसी और डिवाइस पर रजिस्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा स्केरी लगता है लेकिन यहां पर दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है व्हाट्सएप का, आप उसको इनेबल करके रखिए और लगाइए एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अपने वॉइसमेल में। ये एक कंसर्न निकल के आया है कि जो हैकर्स हैं वो कर रहे हैं टारगेट लोगों को वॉइसमेल की मदद से उनका व्हाट्सएप हैक कर करके। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Xiaomi के पोको F1 को लेके, इसका एक नया कलर भैया आ गया है, मिलेगा 11 अक्टूबर से और कलर का नाम है रोजो रेड। और बस लाल मतलब लाल, सुर्ख लाल, गाढ़ा लाल, गहरा लाल, MDH का तीखा लाल। दोस्तों यहां पे ये जो Xiaomi का पोको F1 है ये अभी आपको मिलने वाला है सभी वेरिएंट्स में इस स्पेशल रेड कलर में। और ऑफ कोर्स दोस्तों मिलेगा ये Flipkart पर। Flipkart से मुझे याद आया कि जो बेस्ट ऑफर्स की वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं कल, और कल तो व्लॉग भी आएगा तो बस बने ही रही है उन वीडियोस के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Google Pixel 3 XL को लेके, और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो हैंड्स ऑन वीडियो है वो लीक हुई है भैया। और यहाँ पे दोस्तों ये हुई है लीक इस बार हांगकांग से, तो अभी तो बस लॉन्च होने ही वाला है 9 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले ही हमको कुछ कुछ चीज़ें मालूम चली हैं इस फोन के बारे में। मेरी अनबॉक्सिंग जो है वो आएगी 9 तारीख की रात को लगा सकता हूँ, लेकिन फिर इंडिया में काफ़ी लेट हो जाएगा तो क्योंकि इवेंट 9 को सुबह है US में, तो वही टाइम होता है जब मेरे को है परमिशन कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। 9 की रात को लगाऊंगा या फिर 10 की सुबह लगाऊंगा, देखते हैं जैसा भी है आपके लिए मिलेगा आपको वीडियो अनबॉक्सिंग का बहुत बहुत जल्दी। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहां पे एक ऐसे अटैचमेंट को लेके जो कि है एक एक्स्ट्रा अंगुली,
और आपके फ़ोन से आप इसको अटैच करते हैं और फ़ोन जब पकड़ते हैं तो पीछे से ये आपके हाथ को ऐसे पकड़ लेती है, मतलब डिवाइस की सेटिंग्स वगैरह जो है वो भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इससे, और मतलब थोड़ा क्रीपी नहीं है। एक मैं देख रहा था कि ऐसा फ़ोन का केस जहाँ पे भी जैसे एक हाथ निकल के आता है, अभी यहाँ पे उंगली निकल के आ रही है, तो मतलब क्या बोले यार, टेक्नोलॉजी जो है वो हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन क्रेजी आइडियाज़ के साथ में यूज़ कर रहे हैं। उस अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे US की तरफ से, और अभी भैया ये करने वाले हैं अलाउ गाड़ियों को जिनमें कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं है, मतलब व्हील है ही नहीं भैया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई टेक ओवर करने का आपके पास में साधन रहेगा नहीं। लेकिन दोस्तों ऑफ कोर्स आगे चल के जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह होंगी जो एकदम मतलब कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड हैं, जहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, तो वहाँ पे भैया फिर स्टीयरिंग व्हील का क्या काम, क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करें, क्यों एक्स्ट्रा जगह वेस्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों US में अभी इस तरह की गाड़ियों की भी शायद टेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं कौन कौन से ब्रांड लेके आते हैं ऐसी कुछ और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कार्स को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेची सोलर पावर्ड सेंसर को लेके, जो कि आप अपनी उंगली पर दोस्तों चिपकाते हैं किसी स्टिकर की तरह, और यहाँ पर दोस्तों सोलर पावर जो है उस पर करता है काम। और मजे की बात यह है कि ये दोस्तों आपकी हार्ट रेट को नाप सकता है, बिल्कुल पतला किसी फिल्म की तरह है, किसी स्टिकर की तरह है। तो ये हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात। और यहाँ पर दोस्तों इस तरह के जो बायो सेंसर्स हैं उनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं बिल्कुल रिमोट तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सेल चाहिए ना कोई बैटरी चाहिए। देखते हैं इस तरह की चीज़ें और जाके रियलिटी में हम और अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ काम में ले पाते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi Lex को लेके, और Lex दोस्तों है वो कोड नेम है किसी एक नए डिवाइस का, जो कि यहाँ पे दोस्तों लॉन्च हो सकता है भैया 15 अक्टूबर को Mi Mix 3 के साथ में, और यहाँ पे साथ में जो है वो Mi Note 4 भी आ सकता है। तो Xiaomi Lex, Xiaomi Mi Note 4 और Mi Mix 3 तीनों एक साथ 15 अक्टूबर को, देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं सरप्राइज अपने साथ में। इंडिया का तो फिर तरसते रह जाएंगे फ्लैश सेल फ्लैश सेल फ्लैश सेल के नाम पे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे पिक्सल मिनी को लेके, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो है मेड बाय गूगल ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो को पोस्ट किया है जहाँ पे बोलते हैं कि भैया मिनी पिक्सल नाम का भी शायद कुछ सरप्राइज आ सकता है। और मिनी 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 मतलब यार कितना मिनी, क्या पता 9 अक्टूबर को गूगल कुछ एकदम सरप्राइज से लॉन्च कर दे कोई चुटकू सा फ़ोन, या क्या पता ये मजे ले रहे हैं हमारे। देखते दोस्तों क्या होता है डिटेल में। लेकिन ऐसे में आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कमेंट्स में कि क्या आप एक फ्लैगशिप ग्रेड स्मार्टफोन जहाँ पे अंदर स्पेसिफिकेशन सारी एकदम लेटेस्ट हैं, एक थोड़े छोटे साइज़ में मान लीजिए 5 inches, 5.2 inches वगैरह, उस स्क्रीन साइज़ में देखना पसंद करेंगे या नहीं? बिकॉज आजकल के फ़ोन यार बहुत बड़े हो गए हैं, 6 inch, 6.3, 6.4, 6.5। थोड़ा ऐसा फ़ोन जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, आप एक हाथ से सारे काम कर लें, क्या आपको ऐसा फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशन वाला छोटा फ़ोन चाहिए होगा या नहीं? दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है OnePlus 6T को लेके, इसका एक और प्रमोशनल वीडियो आ गया है सामने और बोलते हैं कि वी आर नॉट स्टॉपिंग नाउ। और यहाँ पर दोस्तों दिखा रहे हैं क्लियरली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को। मजे की बात ये कि यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कुल क्लियर तरीके से। इसका भी आएगा वीडियो, बहुत ही जल्दी आएगा, हालांकि इतना जल्दी नहीं आएगा जितना जल्दी आप सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपके लिए OnePlus की तरफ से भी कुछ और इंटरेस्टिंग सरप्राइज आने वाला है बहुत बहुत जल्दी। तो अगला अपडेट निकल जाता है वो है यहाँ पे iPhone XS को लेके, एक फ्लरी एनालिटिक्स की दोस्तों रिपोर्ट ये बोलती है कि जो आईफोन का लाइनअप था लास्ट ईयर का, उससे ज़्यादा डिमांड है इस बार iPhone XS की, जो सेल्स हैं वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। iPhone XR का हमको वेट करना है, उसमें शायद एप्पल अच्छे तरीके से बेच लेगा लोगों को फ़ोन, क्योंकि थोड़ा सस्ता सस्ता मतलब है तो खैर वो भी महंगा, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं भैया चलो ठीक है कम से कम कुछ तो मिल रहा है, कम से कम यही हम ले लें। तो ऐसे में देखते हैं कि चीज़ें आगे चल के जो नंबर्स निकल के आते हैं कि भैया कितने फ़ोन बिके और क्या क्या हुआ तब क्या होता है। फिलहाल तो मार्केट में पूरी मंदी चाहिए iPhone XS को लेके, बातें सब कर रहे हैं ले कोई नहीं रहा है। आपके दोस्तों इस बारे में मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे हाथवे की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों हाथवे लेके आ गया है एक एंड्रॉइड टीवी बेस्ड एक प्ले बॉक्स, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है सपोर्ट भैया, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं अमेजॉन यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वगैरह के, और यहाँ पे आप तरह तरह के दोस्तों जो कंटेंट है, फिर चाहे वो ग्लोबल कंटेंट है चाहे वो लोकल कंटेंट वगैरह है, आप उसको देख सकते हैं। छोटा सा ये बॉक्स है, बाकी डिटेल्स दोस्तों खैर मालूम नहीं है, लेकिन इसका नाम है हाथवे प्ले बॉक्स। अगर आपके रीजन में हाथवे काम करता है और जो भी सब चीज़ें हैं, इंडिया में जो लोकलाइज बहुत सारे कंटेंट आ जाता है, तो ये बस अपनी तरह का एक पहला सा ही बॉक्स है जहाँ पे केबल टीवी भी है, एंड्रॉइड टीवी भी है, तो केबल का तार भी इसमें जाएगा, आपका एंड्रॉइड टीवी बेस्ड बॉक्स भी होगा, तो स्मार्ट सर्विसेज भी हैं, मतलब जो भी एक कंबाइंड पैकेज है जिसका नाम है ये प्ले बॉक्स। दोस्तों बस
यही सारे आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को तो लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।